हेलो एवरीवन देयर, दिस इज़ शफ़क नाज। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग योर लाइफ फुली। तो बोर्ड ने फाइनली कंफर्म डिक्लेयर कर दिया है कि आपके सिलेबस से कौन सा चैप्टर और कौन सी पोयम हटने वाली है और एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, ओमिट हो चुकी है। ठीक है, एक महीने से सबको उड़ती उड़ती खबर आ रही थी कि सिलेबस कम होगा, लेकिन कौन सा होगा, क्या होगा, किसी को नहीं मालूम था। तो वही कन्फ्यूजन आज हमारा दूर हो चुका है। तो वीडियो को पूरी देखना, एक कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है, वो इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो देखो, एक चैप्टर और एक पोयम आपके सिलेबस से हटा दी गई है। चैप्टर कौन सा है? बींग नेबरली बाय लुइसा मे अलकॉट, जो कि था तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 और बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ के रख दिए थे। तो कोई बात नहीं, होता है। इसको हटाने का मेन रीज़न भी इधर लिखा है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बाकी के चैप्टर के कंपैरिजन में, इसलिए यही चैप्टर को, पहले चैप्टर को ही हटा दिए। पोयम कौन सी हटी है? 6 वाली, द प्लानर्स बाय बॉय किम चेंग। ठीक है, इसका भी यही रीज़न था, बाकी पोयम के कंपैरिजन में ये थोड़ी लेंदी थी और डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था। अब कन्फ्यूजन क्या है बच्चों के दिमाग में, कि लोग बोल रहे हैं कि ये नोट में क्या लिखा है। अगर पोयम और चैप्टर हट गए हैं तो ये कुछ एक्सेप्शन है क्या? फिर भी कुछ चीज़ आने वाली है क्या इस चैप्टर से? तो क्या हम लोग को फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा क्या? तो नहीं, तुम लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है ये वाला चैप्टर और ये वाली पोयम से रिलेटेड। इधर पे क्या है, देखो टेक्स्ट बुक का जो तुम्हारा इंडेक्स है उसके बाजू में देखो, ग्रामर और राइटिंग स्किल के टॉपिक दिए हुए हैं, है ना? तो वही इधर पे बोला है कि ये चैप्टर हट गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक में तुम्हारा इंडेक्स है, इस चैप्टर के बाजू में जो राइटिंग स्किल है और ग्रामर है वो भी हट गया। नहीं, ग्रामर की सारी टॉपिक वैसे के वैसे ही रहेगी, राइटिंग स्किल के सारी टॉपिक वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो बींग नेबरली के बाजू में कौन से ग्रामर्स थे? आइडियम्स था, प्रोवर्ब्स था, मैक्सिम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये सारे ग्रामर रहेंगे क्योंकि ऑफकोर्स ये हम 10th 11th पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह पोयम में भी यही है। और अब पोयम में ये याद रखो, इस पोयम से रिलेटेड कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछा जाएगा, इस पोयम से रिलेटेड अप्रिसिएशन नहीं आएगा और इस पोयम से रिलेटेड कंपोज अ पोयम बनाने के लिए नहीं पूछेगा। तो दिमाग से ये कन्फ्यूजन हटा दो कि हमको फिर भी कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है क्या इस चैप्टर या इस पोयम से रिलेटेड। तो नहीं, देखना भी नहीं है तुम लोग को ये चैप्टर और ये पोयम। ठीक है, ओमिट लिख दो अभी से ही अपने टेक्स्ट बुक में या चिपका दो वो पेज को। ठीक है, थोड़ा तुम लोग को बर्डन कम लगेगा कि हाँ कम हो गया, लेकिन खुशी के मारे फाड़ मत देना इसके पेजेस। ओके, आगे के बच्चों को काम आएगी ना तुम्हारी बुक, क्योंकि सिर्फ इस साल के बच्चों का ही ये सिलेबस हटाया गया है। नेक्स्ट सिलेबस से ये सारे चैप्टर फिर से आ जाएंगे। ठीक है, तो बस ध्यान रखो इतना, ये कन्फर्म न्यूज़ है, कुछ भी मत पढ़ना ये पोयम और चैप्टर से रिलेटेड। ये नोट में कुछ नहीं था, उसमें बस इतना बताया है ग्रामर की कोई भी टॉपिक कम नहीं हुई है, राइटिंग स्किल की कोई भी टॉपिक कम नहीं हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी का कन्फ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है, और बोर्ड ने जो अपना ऑफिशियल PDF इशू किया है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप कोई भी स्ट्रीम के होगे, कोई भी स्टैंड, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, आप उस PDF से देख लेना। ये वीडियो तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था PDF देखने के बाद भी। तो यही एक अपडेट था। ओके, गुड बाय।